आइए अब अविनाश गोरक्षकर जी का रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, रिकवरी के बाद मुनाफा वसूली का दौर बाजार में आज हावी रहा, ऐसे बाजार में फिलहाल क्या स्ट्रैटेजी आप बनाने की सलाह देंगे? देखिए, मुझे लग रहा है कि मुनाफा वसूली आई है क्योंकि थोड़ी बहुत यू नो शॉर्ट कवरिंग जो हो गई थी उसका थोड़ा सा न्यूट्रलाइज मार्केट हो गया है। प्लस जिस प्रकार के डेटा के नंबर्स आ गए हैं, जीडीपी नंबर यूएस का आ गया है, यूएस अनएम्प्लॉयमेंट जॉबलेस ग्रोथ का नंबर आ गया है, तो ये भी मार्केट्स के ध्यान में था, तो उस कारण से भी थोड़ी बहुत यू नो ग्लोबली फंड्स थोड़े से कम एक्टिव थे बाइंग को लेके। बट मुझे लग रहा है कि काफ़ी ऐसे कंपनीज और सेक्टर्स हैं जो अभी काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देने की कैपेसिटी रखते हैं। ओवरऑल इंडेक्स के बारे में बात करें तो हो सकता है कि इंडेक्स थोड़ा सा स्लो मूवमेंट दिखाएगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटीज आती अभी भी काफी अच्छी रहेगी। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इन्वेस्टर्स को स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही अडॉप्ट करना चाहिए। इंडेक्स थोड़ा सा वोलेटाइल जरूर रहेगा और जब तक 18,000 का लेवल कन्विंसिंगली क्रॉस नहीं होता तब तक मेरे ख्याल से ऊपरी लेवल पे थोड़ा सा मार्केट रेजिस्टेंस दिख सकता है। और लॉन्ग टर्म के लिए किस स्टॉक में व्यू रखने की सलाह देंगे आप आज अविनाश जी? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है जो दिल्ली बेस्ड है जिसका नाम है शारदा मोटर्स लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली चैसी कंपोनेंट्स बनाती है, कैटेलिक कन्वर्टर बनाती है और बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। करीबन पिछले साल इन्होंने 2,200 करोड़ के रेवेन्यू पे करीबन 150 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। इस साल कंपनी का जो पहले तिमाही का नंबर आ गया बहुत ही तगड़ा आ गया है। कंपनी वैसे भी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, काफी कैश कंपनी के बैलेंस शीट पे है, तो हमको लग रहा है कि इस साल दैट इज FY23 के लिए करीबन 180 करोड़ का प्रॉफिट आने की अपेक्षा रहेगी। करीबन 62-63 रुपीस की अर्निंग्स आने की एक्सपेक्टेशन है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये शेयर ऑटो कंपोनेंट स्पेस में काफी सस्ता लग रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कंपनी का जो ग्रोथ मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग रहेगा। इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिजनेस में भी एंट्री की है, यहाँ भी उन्होंने मैनेजमेंट ने कहा है कि ये बिजनेस प्रॉफिटेबल अगले साल से होगा, तो यहाँ पे करीबन 950 रुपए का टारगेट प्राइस आपको अगले 12 से 15 महीने में मिलने की पोटेंशियल रहेगी, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा वैल्यू पिक रहेगा शारदा मोटर्स, जो आपको अच्छी कमाई देने की पोटेंशियल रख सकता है। नहीं बिल्कुल स्वाति, मुझे लग रहा है कि देखिए अगर इनका नजरिया कम से कम साल डेढ़ साल का है तो ही इसमें आप पोजीशन रिटेन कर लीजिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कम से कम आने वाले 2-3 क्वार्टर्स तो यू नो बिजनेस आउटलुक काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। जैसे सभी को पता है कि यूएस की इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस हो चुका है, तो रिसेशन में टेक्निकली वो गई है। यूरोप में भी विप्रो का काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है और यूरोपियन मार्केट्स में भी काफ़ी तकलीफें चैलेंजेस यू नो आने की अपेक्षा रहेगी, तो यहाँ पे अगर 12-18 मंथ्स का नजरिया है तो ही होल्ड करिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में विप्रो में कोई बड़ी बढ़त आएगी ऐसा लग नहीं रहा है। मार्जिन्स प्रेशर में रहेंगे और दूसरी बात इंक्रीमेंटल ऑर्डर विन आते नहीं है, तो मार्केट्स को इस बात पे डेफिनेटली चिंता रहेगी कि यू नो बिजनेस भी बढ़ने में दिक्कत रहेगी, तो यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं लेकिन टाइम फ्रेम लंबा रखिए। स्वाति देखिए, 2016 से 2022 यानी करीबन यू नो 5 साल से ये रिटर्न, ये स्टॉक इनको नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। मुझे नहीं लग रहा है शॉर्ट टर्म में इमामी 700 रुपए तक जाएगा, क्योंकि देखिए एफएमसीजी सेक्टर में ऑफकोर्स रिकवरी तो शुरू हो चुकी है लेकिन इतनी बड़ी तेजी इमामी में आएगी ऐसा लग नहीं रहा है। हालांकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, प्लेजिंग भी अपने शेयर होल्डिंग से काफी कम किया है, इनका सीमेंट बिजनेस था वो भी निकाला है, काफी रिस्ट्रक्चरिंग हो चुकी है, तो अभी आने वाले 1-2 साल में तो परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा लेकिन इनके प्राइस से डेफिनेटली आउट परफॉर्मेंस होना मुश्किल वाली बात लग रही है। मेरे ख्याल से अगर ये चाहे तो गोदरेज एग्रोवेट में शिफ्ट कर सकते हैं जो करीबन 500 रुपये चल रहा है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एग्री स्पेस में ये काफ़ी अच्छा विकल्प है जो इनको काफ़ी अच्छा मुनाफा अगले 6 से 12 महीने में दे सकता है, तो ये एक स्विच अगर वो करते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा, क्योंकि इमामी वापस 700 रुपये टच करेगा ऐसा नियर टर्म में तो लग नहीं रहा है। नहीं बिल्कुल, देखिए दिवीज लैब एक कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च मैन्युफैक्चरर है जो क्रैम्स में बहुत बड़ा काम करते हैं। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात इनकी बैलेंस शीट और इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी रोबोस्ट है। हालांकि अभी फिलहाल जो एक्सपेंशन उन्होंने किया है, जो मार्जिन प्रेशर अभी फर्स्ट क्वार्टर में देखा है, वो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कंपनी एक्सपीरियंस करे, बट अगर इनका टाइम फ्रेम कम से कम 2 साल के ऊपर का है तो मुझे लग रहा है कि इनको डेफिनेटली यहाँ पे निवेशित रहना चाहिए। अगर हो सके तो थोड़ी सी अगर प्राइस में डिप भी आती है तो उसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। कम से कम इन्होंने 2 साल का ऊपर का अगर टाइम फ्रेम ये रखते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड इनको काफ़ी अच्छा मिलेगा, क्योंकि डेफिनेटली कंपनी एक मार्केट लीडर है और ऑब्वियसली आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। नहीं बिल्कुल स्वाति, मैं भी इन्वेस्टर को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, क्योंकि यही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का एक फ़ायदा होता है।
मैं समझता हूँ कि देखिए, अगर इनको पैसों की जरूरत नहीं है तो डेफिनेटली इसमें और अपसाइड बाकी है, क्योंकि कोपरान अभी यूएस मार्केट्स को टैप करने की कोशिश कर रहा है। यूएस एफडीए का अप्रूवल मिलने के बाद कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि इसमें और थोड़ी बढ़त पॉसिबल लग रही है। हालांकि ऊपरी लेवल से स्टॉक थोड़ा सा गिर चुका है, लेकिन फंडामेंटल्स अभी भी काफी स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है कि करीबन 225-230 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है, तो यहाँ पे पोजीशंस होल्ड करिए। करीबन 12-15 महीने के लिए आप होल्ड करते हो तो रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से देखिए, पहली बात तो अडानी के सारे ग्रुप स्टॉक्स में हमको थोड़ी बिकवाली दिख रही है, क्योंकि रिसेंटली कोई रिपोर्ट मार्केट में आई थी जिन्होंने कहा था कि पूरे जो अडानी ग्रुप की कंपनियां हैं इनका टोटल जो ग्रॉस डेट है वो करीबन 3 लाख करोड़ के आसपास है, तो ये चिंता का विषय है। मैं निवेशक को यही कहूंगा कि ऐसी कंपनीज में डेफिनेटली लॉन्ग टर्म व्यू रखना जरा डिफिकल्ट होता है, तो साल भर में कोई भी बढ़त आपको मिलती है तो यहाँ से निकल जाए। मैं समझता हूँ कि अडानी ग्रुप कंपनीज में जो सबसे बेहतरीन कंपनी है वो अडानी पोर्ट है। अगर ये अडानी पोर्ट्स में अपना पोजिशन शिफ्ट करते हैं तो इनको शायद ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। अडानी एंटरप्राइजेज एक होल्डिंग कंपनी है और हमको लग रहा है कि वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, काफ़ी महंगे हैं, तो कोई भी बढ़त आता है तो इसमें से निकल जाना चाहिए। और शिफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अडानी पोर्ट मुझे लग रहा है अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और जिस तरीके से जीडीपी ग्रोथ का परफॉर्मेंस इंडिया में आएगा इस साल, उसका बेनिफिट कंपनी को जरूर मिलेगा। स्वाति, मुझे लग रहा है देखिए, ये ट्रेडिंग कॉल है तो इनको कम से कम 218 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर ये 218 के नीचे जाता है तो पोजिशन एग्जिट करें, अदरवाइज ये पोजीशन अभी भी होल्ड कर सकते हैं। इनके पास अगर थोड़ा सा समय है तो पावर ग्रिड में डेफिनेटली अच्छी तेजी आ सकती है, क्योंकि पावर सेक्टर फ्लेवर में है। बट डेफिनेटली ये 218 का जो स्टॉप लॉस है वो ध्यान में रखें, क्योंकि शॉर्ट टर्म पोजीशन है। अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोजीशंस होती तो मैं इनको कहता कि कम से कम 6-8 मंथ्स में अगर ये होल्ड करते हैं तो अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड इवन करंट लेवल से मिल सकती है। देखिए, अगर इनके पास 6-12 मंथ्स का टाइम फ्रेम है स्वाति, तो कैपिटल गुड सेक्टर में ये एक ऐसा शेयर है जो बहुत कम चला है, लेकिन जिस प्रकार की Q1 के नंबर्स आ गए हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है, मुझे लग रहा है कि इनकी बाइंग प्राइस बहुत अच्छी है लेवल पे इन्होंने की है। तो करीबन 74-75 का एक प्राइस लेवल जब तक आता नहीं है तब तक ये होल्ड कर सकती है, और मेरे ख्याल से आने वाले 6-12 मंथ्स में कंफर्टेबली पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि ऑर्डर बुक अच्छी है, एग्जीक्यूशन अच्छा है, तो बेल में डेफिनेटली और तेजी इन द नियर टर्म पॉसिबल लग रही है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करें, बेचने की जल्दी ना करें। भर का नजरिया हमको बैंकिंग सेक्टर में फेडरल बैंक पसंद है। हमको लग रहा है करंट लेवल 113 का है, यहाँ पे 107-108 का स्टॉप लॉस कोई अगर रखता है तो करीबन 120-124 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल है। कंपनी के नतीजे तो अच्छे ही है, पर मुझे लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में ये काफ़ी अच्छा वेल पोजिशन स्टॉक है। थोड़ी सी बिकवाली आज देखने को मिली है, लेकिन अगर हम 8-10 दिन का नजरिया ले और थोड़ा मीडियम टर्म व्यू ले तो मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिल सकता है। तो ये मेरी तरफ से